संघ के पूर्व उपाध्यक्ष नदीम अंसारी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर किया विवादित पोस्ट। प्रदेश सरकार में बतौर शिक्षा राज्य मंत्री और राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह का गधे पर बैठे फोटो को किया पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष ने पोस्ट, जिसके बाद गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाने में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद सुसंगति धाराओं में ये मामले को दर्ज किया गया है। सूबे के शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह को गधे पर बैठाई हुए पोस्टर को वायरल करने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष ने कहा है कि गणतंत्र डे कार्यक्रम में शामिल होने आए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश के राज्य मंत्री संदीप सिंह को बुलाया गया, उनके साथ अलीगढ़ भाजपा के जिला अध्यक्ष आए, जिसके हम पक्ष में नहीं थे। वहीं ये भी कहा गया है कि मंत्री पूर्व राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में आए थे और ऐसा कोई नियम नहीं है। सर सैयद हिंदू महासभा के लोगों ने सर सैयद अहमद खान को गद्दार बताया और उनके बारे में अशोभनीय टिप्पणियां भी की। सर सैयद के बारे में अशोभनीय बात की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने प्रदेश के राज्य मंत्री संदीप सिंह को गधे पर बैठाकर जिलाध्यक्ष देवराज सिंह को उसकी लगाम पकड़ाने वाला पोस्ट किया है। अगर मेरी गिरफ्तारी की बात आती है तो सर सैयद अहमद खान पर टिप्पणी करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, मैं खुद थाने जाकर गिरफ्तारी दे दूंगा। अलीगढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मैं आज सुबह 10:30-11 बजे फेसबुक चला रहा था तो मैंने देखा कि फेसबुक पे नदीम अंसारी करके एक एएमयू का छात्र है, जिसने एक अभद्र टिप्पणी हमारे माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के लिए, उनके पोते संदीप भैया के लिए और अपने भाजपा के जिलाध्यक्ष देवराज चौधरी जी के लिए गलत तरह से उसको डाला है, आपत्तिजनक टिप्पणी डाली है। तो मैं कहना चाहता हूँ नदीम अंसारी गिरफ्तारी से नहीं डरता। जैसे कि इन्होंने एक सभा करी और सभा के अंदर ये कहा कि नदीम अंसारी की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो जगह जगह हम सबसे ये साफ का पुतला दहन करेंगे, उनकी अर्थी उठाएंगे। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, पिच्ची मानसिकता वालों को, अगर ऐसा सर सैयद साहब पे कोई भी प्रहार हुआ तो बीजेपी के कोई भी मंत्री बख्शे नहीं जाएंगे। और नदीम अंसारी गिरफ्तारी से नहीं डरता, जैसे इन्होंने सौरभ चौधरी ने टिप्पणी करी है, अगर सौरभ चौधरी की गिरफ्तारी होती है तो नदीम अंसारी मंडे में अपनी गिरफ्तारी पावे सैयद से सिविल लाइन थाने जाके खुद देगा, गिरफ्तारी से नदीम अंसारी नहीं डरता। एएमओ के जो है कि पूरे अध्यक्ष जो है उनके द्वारा पूरे उपाध्यक्ष द्वारा जो है कि माननीय मंत्री के खिलाफ जो टीका टिप्पणी की गई है उस संबंध में जो है कि एक तहरीर ली गई है, तहरीर के में जो धाराएं जो भी बन रही है उसके आधार पर जो उनका मुकदमा कायम किया गया है और आगे जो भी होगा उसको हम लीगल एक्शन लेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। दीजिए इजाजत।